नमस्कार, मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं कि हिबिस्कस रोजेस या गुड़हल का फूल या उसकी पत्तियां आपके बालों के लिए क्या सहायक है और है तो आपको कैसे काम में लेना है। मेरा पहला आंसर है, गुड़हल की पत्तियों का रस पे स्टडी की गई है और वे बताती है कि आपके बालों की लेंथ और मोटाई को बढ़ने में सहायक है। अब आप इसको कैसे काम में ले सकते हैं, चलो आज अपन उस पर चर्चा करते हैं। गुड़हल का फूल और पत्तियां है, उनको सुखा के फिर उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसको किसी अन्य ऑयल के साथ में, जैसे कोकोनट हो सकता है, काली अलसी का तेल हो सकता है, जिजोबा हो सकता है, आप चाहें तो आप मार्केट में भृंगराज का तेल दे सकते हैं, क्योंकि भृंगराज के तेल में भी गुड़हल की पत्तियों का रस डला हुआ होता है। ये मार्केट में कुछ ऐसे ऑयल्स हैं आयुर्वेदिक जिनके अंदर गुड़हल की पत्तियों का रस उन ऑयल में मिला हुआ आता है, आप अपने सर पर लगा सकते हैं। अब इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है? यस, इसको रेट पे स्टडी की गई है, आप पबमेड पे जाके देख सकते हैं कि इसका डेफिनेट साइंटिफिक एविडेंस है और हेयर ग्रोथ के अंदर ये सर्टेनली फायदा करता है, लेकिन इनफ ह्यूमन में एविडेंसेस अभी नहीं मिले, इसलिए इसकी मार्केट प्रिपरेशन एलोपैथिक की तरफ से नहीं आई है। फूल के कंपेरिजन में पत्तियों का रस ज्यादा प्रभावशाली होता है, बालों की लेंथ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। इसका एक्सट्रैक्ट 1% पेट्रोलियम ईथर के अंदर इसका सॉल्यूशन बना करके स्टडी की जाती। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। यदि आपके पास ऐसा तेल है जिसमें गुड़हल के पत्तियों का रस है, ये आपने बना लिया है, वो आपको काम करेगा या नहीं करेगा उसकी स्टडी कैसे करें? तो इसके लिए आप अपने बालों का फोटोग्राफ लीजिए, फ्रंट साइड बैक, और फिर वो ऑयल लगाना शुरू करिए जिसमें गुड़हल की पत्तियों का रस है। फिर 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे, और फिर 12 महीने पे सेम डिस्टेंस पे सेम लाइट में फोटोग्राफ लीजिएगा, एंड देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। देन यू ऑथेंटिकली यू योर सेल्फ कैन प्रूव दैट दिस इज वर्किंग, बट एंड ऑल्सो यू सी द स्टडीज। तो मैं आपको शॉर्ट में कहूंगा, ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, ईचिंग को कम करता और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। अतः आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।